जय माता जी। जय माता जी की बेटा। जय माता जी। मेरा नाम है माता जी किशन गोस्वामी नाम है मेरा। अच्छा, वही है जो पैसा टिकट नहीं है और दिमाग काम नहीं कर रहा है और याद शक्ति कम हो गई है मेरी। तो मनोस्थिति तो बिल्कुल डगमगा गई है आपकी। कुछ अच्छा सोचने में स्मरण शक्ति तीव्र गति से काम नहीं कर रही है बेटे, और क्रोध बहुत आ रहा। जो भी व्यक्ति मिल रहा है वो सिवा टेंशन के अलावा कुछ नहीं दे रहा आपको। टेंशन ही दे रहा है सब। हाँ, जो भी व्यक्ति मिल रहा है उचित मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है आपका, और बल्कि क्रोध दे जाता है, तो उसके बाद में फिर आपको टेंशन आ जाता है और कोई अच्छा कार्य भी नहीं आप कर पा रहे। और इस विषय को ठीक करने के लिए बाबा भोलेनाथ और माता रानी की शरण ही बहुत जरूरी है अब तो मेरे बेटे। तो वहां पर तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ, और उनकी ही कृपा से ही तो आज नंबर लग पाया है आपका उनके पास रोज जाने से। और मैं परेशान अभी तो मैं इतना परेशान हूँ सुसाइड तक बात पहुंच गई है। अरे मेरे बेटे, सुसाइड नहीं करना, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति यहाँ से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन जीव आत्मा को कितना कष्ट मिलता है। क्या उससे मुक्त हो जाएगा? उन कर्मों के भोग फल से मुक्त हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। इसीलिए सुसाइड नहीं करना, इसी धरा पर रह करके और जीवन यापन करना है। अरे दुख आया है तो सुख भी आएगा मेरे बेटे, है ना? सुख तो आया कि अपन माता जी भी मेरी पोजीशन इतनी है ना, मेरे जेब में अभी 30 रुपये ही बचे हैं। हाँ मेरी हालत ही कुछ ऐसी है ना, पैसे टिकते ही नहीं, जितने भी पैसे आते हैं तो कहाँ जाते हैं वो पता नहीं चलता है। नहीं, घूमते नहीं है वो, तो उचित कार्य में खर्च हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही खर्च हो जा रहा है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं, और बुरे बुरे नेकेड विचार आता है। जब मैं भगवान श्री राम का स्मरण करता हूँ ना हाँ तो भी ऐसा ही नकारात्मक ही विचार आता है और नकारात्मक क्रोध बहुत आता है। और आपका जो राक्षसी ग्रह है केतु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मनोस्थिति डिस्टर्ब हो रही है और मन में गलत विचार आ रहे हैं कि अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। जीवन बहुत जी लिया, क्या जी लिया है आपने? इतने बुरे विचार नहीं लाना चाहिए आपको। हिम्मत ना हारी है, आपके साथ में ईश्वर खड़ा है। तो ईश्वर तो खड़ा है पर मैं मुझे ही कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो पढ़ाई पूर्व लिखाई में। जन्म के मेरे बेटे, पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का खंडन तत्काल ही थोड़ी हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाने से तत्काल भी ठीक होता है, लेकिन मनमाने जीने से तत्काल तुम ठीक नहीं कर सकते और गलत कर बैठोगे। तो अब मुझे क्या करना है वही पता नहीं चल रहा है अभी तो मैं पढ़ाई। इसीलिए गुरु शरण में जाएं और योग्य विद्वान महापुरुषों से अपना काल दोष की शांति करवाएं। काल योग आपके सिर चढ़ बोल रहा है और उस काल के गाल में आप फंस चुके हैं, और उस काल की गति से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल की शरण लेना बहुत जरूरी है आपको है। और अभी तो आप कर रहे थे, लेकिन मनमानी तरीके से कर रहे थे। अब गुरु शरण में जाकर के, गुरु सानिध्य में रह करके, गुरु परंपरा द्वारा, ऋषि कुल परंपरा द्वारा आप ईश्वर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, आपको सफलता प्राप्त होगी, माता रानी की कृपा प्राप्त होगी मेरे बेटे, है ना? और भी जो मैंने पढ़ाई लिखाई है ना हाँ उसमें भी मैं कम आ गया हूँ क्योंकि मेरी एग्जाम आने वाली है अभी, वो फाइनल एग्जाम है गवर्नमेंट की। हाँ 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 मैं मन नहीं लग रहा है, पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है, अरे मस्ती नहीं तुम्हें तो रहता है। बिल्कुल याद, कुछ भी याद नहीं रह रहा है, बस दो पैसे झरोके जैसे आ रहे हैं आपको, बस आए और चले, आए और हाँ चले। हाँ ऐसे ही हो रहा है। केतु डिस्टर्ब कर रहा है, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना जल्दी से प्रारंभ करें। काल दोष आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, काल ही काल नजर आ रहा है, काल ही काल मंडरा रहा है जीवन में, तो काल की गति से आपको मुक्ति पाना है तो महाकाल की शरण आप लेवें, और महाकाल की शरण लेकर के और गुरु परंपरा द्वारा केतु के निवारण का श्री हूँ आपको, ठीक है? काल सर्प दोष की आप शांति करा ले। मनोस्थिति का, मनो स्थान में केतु बैठा है तो मन को विचलित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, नकारात्मक विचार उत्पन्न कर रहा है, तो केतु को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश जी को की पूजा आराधना करें और काल सर्प दोष की शांति करवाएं मेरे बेटे। उसके तो मैं गणेश जी की भी पूजा करता हूँ, माला भी करता हूँ, लेकिन ये जो सिर है ना, मेरा मेरा सिर का दर्द होता है, पीड़ा भी होती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं हनुमान। नेत्रों में भी विकार आ रहा है आपके, और मस्तिष्क में विकार आ रहा है, तो इसी उपाय से आपके ये विकारों में आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? काल सर्प दोष की शांति करवाने का मार्ग खोजें।
काल सर्प योग वो ब्राह्मण से करवा सकता हूँ ना? ब्राह्मण से आप तो संन्यास कुल परंपरा से है, तो सन्यासियों से ही करवाएं, साधक सिद्धों से करवाएं। माता जी मैं एक बात बोलूँ ना, गुजरात में ऐसा कोई अभी कोई है ही नहीं, आपने जैसा उपचार दिया है ना अभी, हाँ ऐसा कोई उपचार देने वाला ही नहीं है। सब जगह गए वो लेके आया वो लेके आया, मेरे पैसे ही बर्बाद हो गए, 1 से 1.5 लाख रुपये बर्बाद हो गए मेरे अरे बाप रे, इस चक्कर में, मैं भी बर्बाद हो गया, मेरा पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद हो ऐसे गया काम करो, अपने मेरा। इस विषय को रिकॉर्डिंग आपने किया होगा तो अपने माता पिता को सुनाएं, और माता पिता के साथ फिर सिवनी आप आए तो यहीं से आपका काल सर्प दोष की शांति हो जाएगी।